यूपी से नरेंद्र मोदी का पुराना नाता है। नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे ज्यादा कद्दावर नेता इसी राज्य से हैं और मोदी खुद बनारस से सांसद हैं। ऐसे में यूपी की जनसभा नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा खास होती है। मोदी इलाहाबाद में थे और प्रयागराज की पावन धरती से विपक्षियों पर जमकर निशाना साध रहे थे। राजनीति से ऊपर उठ करके राज्य की भलाई जिनकी नीति है, उन राज्यों में विकास की तकलीफ नहीं होती है। जो भी संसाधन होते हैं वो राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिनको दिन रात अपनी राजनीति उठा पटक करने के सिवा कुछ करना नहीं है, उनको राज्य की भलाई की चिंता नहीं है। और भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश में तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चलता है, एक बड़ा मजेदार कॉन्ट्रैक्ट है। आपको मालूम है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? बताओ बताओ, मुझे बताइए। जब मायावती जी की सरकार थी तो मुलायम सिंह जी की पार्टी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी कि नहीं लगाती थी? लगाती थी कि नहीं लगाती थी? जितना हो सके उतना आरोप लगाती थी ना। 5 साल हो गए, कुछ किया? कुछ किया? नहीं किया। अभी मायावती जी मुलायम सिंह पर आरोप लगाती है कि नहीं लगाती है? लगाती है कि नहीं लगाती है? गंभीर से गंभीर आरोप लगाती है कि नहीं लगाती? अब अगले 5 साल अगर मायावती जी को कुछ मिल गया तो मुलायम सिंह जी पर कोई कदम नहीं उठाएगी। तो उनकी जुगलबंदी है, उनकी जुगलबंदी है। 5 साल हमारी बारी, 5 साल तुम्हारी बारी। जब तक उत्तर प्रदेश में ये 5-5 साल की लूट करने की ठेकेदारी बंद नहीं होगी, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा। ये लूटने की ठेकेदारी बंद होनी चाहिए मेरे भाइयों बहनों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझे उत्तर प्रदेश से सांसद बनाया है, मुझे उत्तर प्रदेश का ऋण चुकता करने का मौका दीजिए। भाइयों, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। एक बार आप अवसर दीजिए। और मैं आपको कहता हूं, अगर 5 साल में हमने निजी स्वार्थ के लिए आपका कोई भी नुकसान अगर किया तो आप हमें लात मार करके निकाल देना भाई। रैली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, वीके सिंह सहित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद थे। मंच पर लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी नजर आए। मुरली मनोहर जोशी को अमित शाह के बगल वाली कुर्सी पर जगह दी गई है। नरेंद्र मोदी ने मुरली मनोहर जोशी को याद करते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में बताया। आज मेरे सामने इलाहाबाद वो धरती है जहां की शिक्षा दीक्षा ने आधुनिक हिंदुस्तान को महान महान रत्न दिए हैं। एक जमाना था जब हमारे डॉक्टर जोशी जी यहां पढ़ाते थे, पूज्य रज्जू भैया जी यहां पढ़ाते थे, तो कहा जाता था ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, ऐसा कहा जाता था। ये रुतबा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। मेरे सामने लाखों नौजवान देख रहा हूं मैं, सारे नौजवानों की ये इतना बड़ा हुजूम देख रहा हूं। मेरे नौजवान भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपकी जिंदगी में बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर बदलाव लाना है तो विकास के रास्ते पर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा?
विकास के बिना कोई चारा है क्या? भाइयों बहनों, और इसलिए मैं आपके पास एक मंत्र लेकर के आया हूं। नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज की धरती पर मां गंगा से आशीर्वाद लेने की बात भी कही और त्रिवेणी की नदियों का अलग अलग महत्व भी बताया। ये धरती प्रयागराज की धरती है, ये धरती त्रिवेणी संगम की धरती है, गंगा यमुना और सरस्वती के मिलन से एक नई ऊर्जा नई प्रेरणा इस धरती की देन है। भाइयों बहनों, गंगा ये सिर्फ जल नहीं, गंगा ये तो विचार धन है, विचार धन है। वेद से विवेकानंद तक भारत की जो विचार यात्रा चली है, उस विचार यात्रा को इस मां गंगा ने आशीर्वाद दिए हैं। इस मां गंगा ने हर पल उसको नई चेतना दी है, नई गति दी है। मां गंगा ये विचार प्रवाह की धनी है और मां यमुना जी जिसकी गोद में भगवान श्री कृष्ण पले और जिन्होंने गीता के द्वारा कर्म का सिद्धांत दिया था, मां गंगा विचार देती है, यमुना जी कर्म का संदेश देते हैं और सरस्वती जो नजर नहीं आती है वो वैसे ही है जैसे श्रद्धा होती है। श्रद्धा कभी नजर नहीं आती है, श्रद्धा का एक सामर्थ्य होता है। विचार कर्म और श्रद्धा, इसकी ये त्रिवेणी से हमने उत्तर प्रदेश को विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना है और इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मां गंगा के आशीर्वाद चाहिए, ये त्रिवेणी संगम के आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, ये प्रयाग नाम कहते हैं, ये प्रयाग का मतलब होता है कि यहां पुराण काल में सबसे बड़ा यज्ञ हुआ था, प्रखर यज्ञ हुआ था और तब से इसको प्रयाग के रूप में जाना गया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में देश के सबसे बड़े सूबे यूपी का बहुत बड़ा महत्व रहा है। ऐसे में मोदी के सामने जब यूपी की जनता थी तो भला मोदी इस सूबे की जनता से चुनाव के लिए साथ मांगने से कैसे चूकते? मुझे बताइए, जब मायावती जी की सरकार थी तो मुलायम सिंह जी की पार्टी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी कि नहीं लगाती थी? लगाती थी कि नहीं लगाती थी? जितना हो सके उतना आरोप लगाती थी ना। 5 साल हो गए, कुछ किया? कुछ किया? नहीं किया। अभी मायावती जी मुलायम सिंह पर आरोप लगाती है कि नहीं लगाती है? लगाती है कि नहीं लगाती है? गंभीर से गंभीर आरोप लगाती है कि नहीं लगाती? अब अगले 5 साल अगर मायावती जी को कुछ मिल गया तो मुलायम सिंह जी पर कोई कदम नहीं उठाएगी, तो उनकी जुगलबंदी है, उनकी जुगलबंदी है। 5 साल हमारी बारी, 5 साल तुम्हारी बारी। जब तक उत्तर प्रदेश में ये 5-5 साल की लूट करने की ठेकेदारी बंद नहीं होगी, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा। ये लूटने की ठेकेदारी बंद होनी चाहिए मेरे भाइयों बहनों।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझे उत्तर प्रदेश से सांसद बनाया है, मुझे उत्तर प्रदेश का ऋण चुकता करने का मौका दीजिए भाइयों, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। एक बार आप अवसर दीजिए और मैं आपको कहता हूं, अगर 5 साल में हमने निजी स्वार्थ के लिए आपका कोई भी नुकसान अगर किया तो आप हमें लात मार करके निकाल देना भाई। मेरे भाइयों बहनों, इतने बड़े प्रदेश को हम बर्बाद नहीं देख सकते, उसको तबाह नहीं देख सकते। और एक बार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गया ना, दुनिया में लिख के रखो मेरे शब्द भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गया, दुनिया में हिंदुस्तान को नंबर एक पर होने से कोई रोक नहीं सकता। ये उत्तर प्रदेश की ताकत है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें गुंडागर्दी से भी उत्तर प्रदेश को बचाना है, भाई भतीजेवाद से बचाना है। हमने एकमात्र काम विकासवाद लेकर के चलना है। और मैं आपको बताता हूं, आपका सांसद होने के नाते जो काम 50 साल में नहीं हुआ होगा, मैं 5 साल में करने की कोशिश करूंगा भाई। नरेंद्र मोदी ने साथ ही यूपी की जनता को बीजेपी की सरकार का इतिहास बताया और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां के विकास की बात बताई। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लीजिए, जहां जहां भी भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला है, उन राज्यों का आज विकास की दुनिया में ऊपर का नंबर दिखाई देता है। आप गोवा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, झारखंड देखिए, हरियाणा देखिए, जहां जहां हमें मौका मिला है हमने करके दिखाया है। जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी काम कर रहे थे, जब उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह काम कर रहे थे, आज भी उत्तर प्रदेश उस समय को अच्छा समय बताता है। भाइयों बहनों, हमें जहां जहां जितना भी समय काम करने का मौका मिला है, हमने विकास को प्राथमिकता दी है, विकास का महत्व माना है, नौजवानों के भविष्य को बदलने के प्रयास के रूप में हमने कोशिश की है। भाई, दिल्ली में 2 साल की सरकार हो गई। NMF न्यूज की रिपोर्ट।